तो यमुनोत्री धाम से आप सबको गुड मॉर्निंग। और भाई सुबह हो गई है, रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है, देखिए टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। और अभी हमें यमुनोत्री धाम में और जानकी चट्टी के पास, और अभी हम लोग चल रहे हैं, टाइम क्या हुआ, 6 बज रहा है, 6 बजे चल रहे हैं और 6 किलोमीटर की चढ़ाई भी है ऊपर। तो अगर आप आना चाहते हैं यमुनोत्री धाम अक्टूबर में आएंगे तो भाई का जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा गर्म कपड़े लाइए और रेनकोट साथ रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है। चार धाम यात्रा में मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अगर जो नेट के भरोसे रहेगा ना वो ठंड उसको मार देगी, ठीक है। यहाँ कोई लॉकर वॉकर रूम नहीं है। और यहाँ पे होटल बताइए कितने में मिल जाता है, होटल मिल जाता है 600 से 700 में। अभी ऑफ सीजन चल रहा है, मतलब यहाँ कोई आ नहीं रहा ना, तो ऑफ सीजन चल रहा है इस टाइम। ये सब देखे पीछे जितने हैं, ये सब होटल हैं। और भाई हम एक गलती किए थे, घर से रजिस्ट्रेशन किए थे उस पर पोर्टल पर, कि चार धाम यात्रा पे रजिस्ट्रेशन किए थे 2 लोगों का, तो उस पर रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था। तो हम जब वहाँ बरकोट पहुँचे, उसके पहले 3-4 किलोमीटर बरकोट के 3-4 किलोमीटर पहले चेक पॉइंट है, वहाँ पे मांगने लगे हमसे रजिस्ट्रेशन चार धाम का, तो हम नहीं दिखा पाए क्योंकि ईमेल आईडी खुली नहीं रहा था वो। ये भैया हैं डोली वाले, मतलब जो डोली जाते हैं ना, कहाँ से आप, नेपाल से हैं? नेपाल से। भाई ये कितना है रेट यहाँ पे? और वो 6500 6 किलोमीटर डोली का। और जो गधे जाते हैं खच्चर क्या बोलते हैं वो, 2100। भाई इधर पे दुकान है, यहाँ खाने का रेट पता है कितना है? यहाँ खाने का रेट लगभग 120 रुपये में 4 रोटी और दाल तो नहीं मिलेगा। ये सामने वाला रोड आता है बरकोट से, और इधर चला जाता है पैदल चढ़ाई, इधर जाता है पैदल चढ़ाई यमुनोत्री के लिए, और इधर जो है पार्किंग ये सब। अगर आपको आना है ना तो आप आइए, यहाँ बस सुविधा भी है, और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो मैक चलाते हैं, उसका बस किराया मुझे पता नहीं होता। ये यहाँ की पालकी सेवा है देखिए, और रास्ता हमारा रास्ता कुछ ऐसा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से भी सर्विस दी जाती है, मतलब दिखा गया है यमुनोत्री 5 किलोमीटर दिल्ली, दिल्ली से 380 देहरादून से 181 मसूर। ये रहा विश्राम गृह, पहला विश्राम गृह है भाई। यहाँ सब कुछ ओके है, बड़े भाई जो खच्चर है ना उन लोगों का वेस्ट इतना बेकार महक रहा है ना, स्मेल कर रहा है कि बता ही नहीं सकते। जानकी चट्टी की पुलिस चौकी है, और आपको ऐसे पूरे रास्ते में 500 मीटर पे शुद्ध पेयजल मिलेगा भाई, यहाँ सब शुद्ध ही है। एक जगह निर्देश दिया गया है कि पहाड़ी के ऊपर से मतलब पत्थर गिरने का डर रहेगा भाई। यहाँ पे सिर्फ पानी की गड़गड़ाहट की आवाज़ ही आ रही है, अभी सूर्यदेव निकले भी नहीं है, पत्थर गिरने की संभावना है। ये देखिए भाई झरना टाइप का पानी बह रहा है। भाई थोड़ी दूर पे ही आएंगे तो ये द्वार मिल जाएगा, यमुना माता का द्वार है। लगभग हम लोग 1/2 किलोमीटर आ गए हैं, और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, देखिए एक एक पड़ रही है। पेयजल का वो लगा है स्टॉल ना, ये हॉट वाटर भी देता है और कोल्ड और नॉर्मल वाटर भी देता है। सामने देख रहे हैं, यहाँ सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन स्कैन करेंगे, फिर आपको यहाँ से आगे जाने देंगे। जानकी चट्टी से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर आएंगे यमुनोत्री की तरफ, तो आपको प्राचीन श्री राम मंदिर मिलेगा। भाई जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, और भाई पहाड़ से जो रास्ता बना हुआ है ना कई कई जगह ऐसा लगता है कि सिर टकरा जाएगा, और वो लिखा गया भी है, ये देखिए। अगर आप आ रहे हैं तो अच्छे ग्रिप वाला जूता लाइए। यहाँ देखो कितना भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। अभी हमने बोला ना कि यहाँ मौसम का कोई भरोसा नहीं है, तो सच में कोई भरोसा। अभी देखिए यहाँ बारिश हो रही थी, अभी पूरा नेचर देखिए कितना मस्त हो गया है। ये रास्ते में पड़ता है, अभी जस्ट हमें लगता है जल्दी ही गिरा हुआ है पत्थर रास्ते में यूं। कोई बोलना चाहेंगे? ये बोलना चाहेंगे भाई घूमने की उम्र यही है, और बुढ़ा
जहाँ एज बढ़ेगा ना तो वैसे जो कंधे में नहीं आ रहे हैं वैसे कंधे पालकी पे आना, नहीं पालकी में आना पड़ेगा, चार कंधों पे आना पड़ेगा। मेरा कहने का ये है ऐसे आना पड़ेगा आपको अगर से ज़्यादा एज हो जाएगा तब। हाँ जिंदी लाश इसको बोलते हैं भाई। 6 बजे से हम लोग ट्रैक स्टार्ट किए हैं और लगभग 8 बज गया, अभी तक सिर्फ आधा चले हैं, 2.5 किलोमीटर लगभग आए होंगे। यहाँ से भी आधा है ना भैया? ये खच्चर अगर स्लिप किया, खच्चर तो जाएगा ही, खच्चर के साथ जो श्रद्धालु बैठे हैं वो भी जाएंगे नीचे। ये भैया देख रहे हैं छोटा सा बच्चा लेके आ गए इतनी ठंड में कड़ाके। भैया कहाँ से हो आप? मंदसौर से। मंदसौर ये कहाँ पड़ता है? ये एमपी में। अच्छा एमपी में। जानकी चट्टी से लगभग 3.5 किलोमीटर हम आ गए, अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। यमुना यमुना ते राम भाई। लगभग यहाँ से करीब 1 किलोमीटर और है यमुनोत्री धाम, और यहाँ बीच पे पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ जाता है मेरा बाबा भैरवनाथ का सिद्धपीठ। बाबा भैरव पत्थर के पास पास में है, अब देख के नहीं चलेंगे तो सर में 100% पक्का लगेगा। रास्ते हम जा रहे थे और थोड़ी ये भाई लोग आ रहे हैं नहा के। भाई ये सब हरियाणा के हैं? हरियाणा से भाई। बाइक से ही आ रहे हैं भाई लोग? अच्छा भाई जो वो गर्म कुंड है उसमें नहाने से क्या ज्यादा गर्म है? नहीं नहीं आप एक बार थोड़ा सा पैर रखोगे ना बस एक बार लगे गर्म, उसके बाद अंदर जाओगे ना। हाँ जो यमुना जी जहाँ से निकले वहाँ पर नहाए हो आप लोग? हाँ ठंडे पानी में बहुत, मतलब आप पैर रखोगे कति जम जाएगा, इतना चिल्ड पानी है, बहुत चिल्ड। नाम क्या भाई आप सबका? मेरा नाम अनिल है। मेरा नाम विशाल है भाई। ज्यादा भाई इसलिए बोलते खच्चर घोड़े चढ़ाइए, देखिए स्लिप कर गया वो आंटी जी, गिर गई नीचे, इसलिए बोलते भाई पैरों पे आओ। देखो अभी फिलिश फिसल हो गया। हाँ भाई तो फिसलन हो गया भाई, चोट ज़्यादा नहीं लगी? क्योंकि ये जस्ट खच्चर लोग यार गिर गया है, और वो दीदी आंटी जो भी लगती हैं वो ये देखिए खड़ी रहेंगी, ये इनको हल्का चोट आ गया पैर में। भाई माता जी का दर्शन तो लगभग हो गया, लगभग होने वाला है, देखिए आगे ढाल है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। जितना वेट था सब खत्म और दिख गई माता जी का दर्शन हो गया, मंदिर रही वो। वाह भाई कितना जाता खुशी मिल रहा ना यहाँ के। छह किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद अनुना मंदिर देख के सारी थकान दूर हो गई भाई, जस्ट थोड़ा थोड़ा करीब चलते हैं, पहले नहाएंगे ठंडे पानी से लाएंगे जहाँ से यमुना जी निकली हैं, फिर गर्म कुंड नहाएंगे। तो ये यमुनोत्री धाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्वर्ग में आ गए एकदम, अपन स्वर्ग में आ गया, जौनपुर का पहला मोटर ब्लॉगर आ गया है, पहले दर्शन करा दिए आपको यमुनोत्री धाम का। जैसा कि हम बताएं तो यमुनोत्री का ये मंदिर पड़ता है हिमालय के पर्वत में बसा यमुनोत्री धाम, ये पड़ता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बरकोट तहसील के अंतर्गत पड़ता है ये। और भाई सी लेवल से इसकी हाइट लगभग 3185 मीटर है इसकी हाइट। ये चार धामों से यात्रा में पहले यहीं से शुरुआत किया जाता है, और इसके बारे में बात बताएं। और इस मंदिर का निर्माण जो है टिहरी गढ़वाल के महाराजा ने करवाया था, महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था 1919 ईस्वी में। भाई ये रहा यमुना माता जी का मंदिर, हमारा एक धाम पूरा हो चुका। वो देखिए हिमालय से आ रही हैं,
रहे हैं। आरती का टाइम हो जाएगा। ये हनुमान जी मंदिर है। आपको ध्यान चले हैं सूर्य कुंड, वो गर्म कुंड। इस जब यमुना माता यहाँ आ रही थी तो अपने पिता सूर्यदेव से बोली थी कि हमें अपना कुछ अंश दीजिए, तो उन्होंने सूर्य की किरण दे दी और इसलिए यहाँ का पानी थोड़ा गर्म है। ये गर्म कुंड बोलते हैं सूर्य कुंड, सूर्य कुंड बोलते हैं। पानी गर्म है, अगर हल्का सा रखेंगे ना तो ज़्यादा गर्म रहेगा, जब पूरा अंदर आ जाएंगे तो मज़ा ही मज़ा। देखिए गरम कुंड सूर्य कुंड बोलते हैं। यहाँ पे चावल पकाया जा रहा है प्रसादी के लिए। भाई प्रसाद लेने के बाद अब चल रहे दर्शन करने, नहा वाली है। और ये देखिए यहाँ से यमुना जी निकली है। ठीक है, यमुना जी इधर ही सही है। तो ये फाइनली चार धामों से एकदम यमुनोत्री धाम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम गंगोत्री धाम के लिए बाइक से। गर्म पानी का जो स्रोत है यहीं से आ रहा है। हाँ बर्फ पड़ रहा है, ये देखिए ये बर्फ रहा, देखिए बर्फ गिर रहा है भाई। जैसे यूरिया का दाना नहीं होता है यार, बड़ी बड़ी यूरिया देखिए फोन पे गिर रहा है यार तेरी। ये देखिए ये रहा बर्फ। हमारा बड़ा मन था कि बर्फ देखे बर्फ देखे, और आज सच में बर्फ गिरता हुआ देख रहे हैं। ये देखिए ऊपर गिर रहा है भाई लोग। यमुनोत्री जी का दर्शन करके हम आगे फिर से कल जहाँ सोए थे कैंपिंग जहाँ किए थे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे, तब तक के लिए हर हर महादेव।